उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था, क्या नाम था? तो इसको कहा गया कि बनवीर तू संभाल थोड़े दिन तक, जब तक उदय सिंह समझदार नहीं हो जाए। कौन समझदार नहीं हो जाए? विक्रमादित्य से एक छोटा भाई और था, कौन सा? उदय सिंह। तो अपने उदय सिंह को राजा बनाएंगे तब तक तू संभाल लेंगे। अब वो जब राजा वाली गद्दी पे बैठता हो, पर वो मन ही मन सोचता राजा वाली गद्दी पे बैठे तो मजे तो आए, राजा के अधिकारों का जब निर्वहन किया उसने, राजा राजा ही होता है वास्तव। पर वो सोचता हमेशा कि कब तक, जब तक उदय सिंह, और उसको लगता है हाँ उदय सिंह लगातार बड़ा होता ही जा रहा है। फिर उसने एक दिन सोचा कि मैं उदय सिंह को सलटा दूं, तो उसके दिमाग में आया कि उदय सिंह को मार भी देंगे ना तो भी मेवाड़ वाले अपने को तो राजा नहीं बनाएंगे, और मेवाड़ वाले विक्रमादित्य को बना लेंगे, कह देंगे टेढ़ा है पर मेरा है, भले ही बेलकना हो पर विक्रमादित्य तो रॉयल ब्लड है भाई, सांगा का बेटा है, ये उसको बना देंगे। उसके दिमाग ने फिर काम किया कि दोनों को मार दूं, तो मतलब विक्रमादित्य को भी मार दिया जाए और उदय सिंह, फिर इनके पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, फिर इनको मुझे राजा बनाना ही पड़ेगा। और उसने एक दिन विक्रमादित्य को मार दिया। किसको मार? विक्रमादित्य। फिर छोटी क्लासों में फिर आपने कहानियां पढ़ी होगी, उस दिन वो उदय सिंह को भी मारना चाहता था। किसको मारना चाहता था? और सुनना मेरी बात है, पहले जो रानियां हुआ करती थी उनके राजकुमारों को संभालने के लिए महिलाएं हुआ करती थी। आज जैसे अपने क्रेच क्रेच वाली व्यवस्था है, आप एग्जैक्टली यही मान लीजिए, आया हुआ करती थी वो, ढाय मां बोलते थे उनको। क्या बोलते थे? ढाय मां। जैसे मैं आपको यदि पूछूं कि भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या था? देवकी। भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या था? पर उनको जो पालने वाली मम्मी थी उनका नाम क्या था? तो यशोदा ढाय मां है। यशोदा कौन है? ढाय। जो आज एग्जैक्टली अपने एक शब्द था दाई, दाई नर्स आप ये कह दो ना, तो बच्चों को जो रखा करते थे ढाई माँ हुआ करते थे। ढाई माँ का कद बहुत बड़ा होता, राजा को पालती थी, तो राजा जब उसको मम्मी के समान मानता तो बड़ा कद अपने आप में हो जाता। कर्मावती एक ढाई माँ हुआ करते थे पन्ना, क्या नाम था? और जब कर्मावती जौहर करते हैं तब पन्ना को कह के गए थे कि पन्ना आज के बाद उदय सिंह का ध्यान तू रखना। तो उसमें बेचारी भी जिम्मेदारी थी कि उदय सिंह का ध्यान मुझे रखना है। और बनवीर किसको मारना चाहता है? उदय सिंह को। विक्रमादित्य को मार दिया, और वो जब उदय सिंह को मारने के लिए जा रहा था, एक नौकर को पता चला, वो नौकर भाग के पन्ना के पास गया और उसने पन्ना को जाकर कहा कि धायमा बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया है, वो किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय सिंह। वो मेवाड़ के धनी को मार देगा, वो सांगा के बेटे को मार देगा, वो खुद राजा बनना चाहता है। उस बेचारी को और कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए, अचानक मैं क्या करूं। और उसका खुद का बेटा था उदय सिंह के जितना ही बराबर था, चंदन, क्या नाम था? और उसने जल्दी से चंदन को वो कपड़े पहनाए, उदय सिंह के कपड़े पहनाए और सुला दिया, ऊपर चादर वादर लगा दी। उधर बनवीर आया, गुस्से के अंदर था, तलवार हाथ में लिया और उसने पूछा उदय सिंह कहाँ है? बेचारी कई देर तो पैर वेर पड़ी उसके, कैसे मत करन, क्या मिलेगा तुझे उसको मार के, राजा बनना तो वैसे ही बन जा, मत मार, तू कहेगा तो हम तो वापस बूंदी चले जाएंगे। कर्मावती बूंदी की थी, बनना था बूंदी के थे, तो हम तो वापस वहां चले जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे रह गए। उसने कहा तू बता रही है कि नहीं बता रही है? तो गुस्से में था, वो चारपाई पे चंदन को सुला रखा था, कपूर कुपर कपड़ा डाला हुआ था, उसने कहा ये रहा, ऐसे मारना मतलब मार दे इसको, अभी मार दे तू। और उसने कोई कपड़ा वपड़ा हटाया नहीं, उसने तीन चार तलवार देगी उसको मार। एक महिला जो अपने बेटे को बलिवेदी पर चढ़ा देती, ना भूतों ना भविष्य थी, संसार के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब किसी माता ने अपने पुत्र को दूसरे की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया हो। वो एकमात्र महिला कोई हुए तो वो कौन है? पन्ना अध्याय भी। एक माँ अपने बेटे को रक्षा के लिए भेज देती है, राजस्थान की बहुत छोटी सी बात थी, माए अक्सर अपने बेटों को तब से लेकर आज दिन तक देश की रक्षा के लिए भेजती आई है। पर किसी दूसरे के लिए अपने बेटे को बलिदान कर देना, सैक्रिफाई कर देना, ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। इसलिए हमें आज भी लगता है कि यदि कभी त्याग की बात आए, बलिदान की बात आए, स्वामी भक्ति की बात आए, तो एकमात्र उदाहरण सामने आता है पन्ना। फिर दूसरा उदाहरण है तो कोई दुर्गादास राठौड़, कोई तीसरा तो हमारे पास आता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने इतनी निस्वार्थ भावना से, खुद का कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, पन्ना को क्या मिल गया उसके अंदर? इतिहास में केवल दो लाइन है, इसके अलावा पन्ना को क्या मिल पाया था? लेकिन उस महिला ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। उस बेटे का नाम क्या था?